लेडीज एंड जेंटलमैन, अली अरसलान इज रिपोर्टिंग फ्रॉम द किचन। आज मैं कुकिंग कर रहा हूँ, आज फिर और संडे फंडे, आज बनेगी मैक्रोनीज। तेरा इंजदा इस तक बालो सीना, तेरा ख्वाब ख्यालो सी, जे मेरे कर तू आवे। देखते हैं का सुनते का नगोली इस्लाम का। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सीन ये है कि अभी अभी उठा हूँ, ब्रेकफास्ट किया, टाइम हो गया 11:30 और फ्रेश सिलेंडर मंगवाया। एक सिलेंडर ख़त्म हो चुका था और 3500 का आया। भाई जिनकी गैस लगी हुई है उनकी गैस नहीं आ रही, हम तो हैं ही परमानेंट यूज़र जो हैं सिलेंडर के, तो सिलेंडर मंगवाया है और अभी घर से निकला हूँ। सबसे पहले निमो को करवाना है वॉश। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वाई, लाइक सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जल्दी से कर लें। थैंक यू वेरी मच। गाइस, गाड़ी में सर्विस स्टेशन पे छोड़ के कहीं काम चला गया था, कज़न के हवाले कर दी थी, उसने वॉश करवा दी। फिर मैं वापस आया हूँ घर, आते साथ ही मैंने कहा इसको पॉलिश कर लें क्योंकि ड्राई वेदर है। आपको पता है मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि गाड़ी को ना आप पॉलिश लाजमी करें। तो पॉलिश करते करते सीन ये हुआ, ये देखें, चेक करें आप बॉडी मेरी, मुझे लग गई गर्मी तो मैंने ऊपर से स्वेटर उतार दी। इसीलिए कहते हैं एक्सरसाइज जो है वो हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती है। आप सर्दी में देखें, मैंने ज़रा इसको पॉलिश की है, सही मांजा है गाड़ी को तो पॉलिश से, तो अब जो है ड्राई के लिए छोड़ी हुई है मैंने। लेकिन बात यह है कि मुझे ना एकदम पड़ास नहीं जैसी होती, हब सी फील होती है, तो मुझे एकदम गर्मी सी फील होना शुरू होगी। फिर फौरन मैंने ऊपर से ना स्वेटर उतार दी। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सर्दियों में आप भी काम किया करें, भाग दौड़ किया करें, सर्दी कम लगती है इंसान को। जब स्वेटिंग होती है, मुझे अभी हल्का हल्का पसीना आया हुआ है, अब बहुत सेहतमंद नहीं हूँ मैं माशाल्लाह कहना आपने, लेकिन बात यह है कि फिर मुझे स्वेटिंग फील हो रही थी तो मैंने फ़ौरन जो है ना फिर स्वेटर उतारी है। और अभी जो है ब्रेक लेंगे थोड़ी देर, जब तक ये ड्राई होगी तो फिर दोबारा इसको वाइप आउट करेंगे। निमो पॉलिश हो चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पर, शॉप से लाने हैं मैक्रोनीज। आज थोड़ी कुकिंग का प्रोग्राम है, मैक्रोनीज पकाने हैं, कोई मेहमान आए हुए हैं तो उनकी फरमाइश है कि मैक्रोनीज खाने हैं हमने। मैं नहीं मानता। अभी अभी शॉप से वापस आया हूँ। सीन ये है कि ग्रॉसरी मैं ही करता हूँ और ग्रॉसरी में मैक्रोनीज मिक्स हो गए थे तो बस वो किचन में रखे हैं। बाहर आया हूँ और इसको कवर लगाया है क्योंकि धुंध होती है, ऊपर शेड तो है ये वाला, लेकिन फिर भी ना ऊपर वो उसकी नमी नमी सी आ जाती है, तो मैंने कहा ये ज़रा कर दूँ, निमो के ऊपर नमी आ जाती है और फिर वो ज़्यादा डस्ट डस्ट लगती है। वैसे भी वेदर ड्राई, आगे पीछे कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा है कि डस्ट घर में उड़ के आती है। गाड़ी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती, आपको पता है मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। बहरहाल ये तो एक रूटीन में से एक छोटा सा पार्ट है, असल काम तो अब शुरू होना है। सुबह से मैंने छोटे छोटे काम करना शुरू किए थे, अभी टी टाइम हो चुका है। टी टाइम का सीन ये है कि वही कॉर्नर जो होता है हमारे घर का, जहाँ पे एंड तक धूप लगती है और यहाँ पे फैमिली कॉर्नर मीटिंग भी होती है, यहाँ ही मुझसे घर वाले मिलते हैं, यहाँ ही मुझे देखते हैं, यहाँ ही उनको पता लगता है कि इस घर का चश्मो चिराग है काम काज के अलावा। तो अब सीन ये है कि इधर चाय पीनी है और उसके बाद अगला काम स्टार्ट करना है। मेरे लिए किसी ने भिजवाए थे हलवा, समझ लें आप, वैसे तो उनको कहते हैं आम पटवारी जबान में ददे, ददे होते हैं जब आप मलाई से यानी कि बलाई से देसी घी निकालते हैं ना, तो फिर उसके बाद जो एंड पे बच जाती है थोड़ी सी, उसमें सूजी डाल के, तो स्पेशल जो देसी लोग हैं उनको पता होगा, पता नहीं आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ी शक्कर डली हुई है, ये ब्राउन वाले ददे हैं और ये मेरे लिए किसी ने भिजवाए थे, तो थोड़े से मैंने खा लिए थे और आपको बता नहीं सका क्योंकि पता है दो दिन मैं मेले में बिज़ी रहा हूँ, तो आज मैं आपको इनकी शक्ल दिखाता हूँ, थोड़े से रह गए, दो दो चार चार स्पूंस मैं डेली खाता रहा हूँ। ये हैं जी ददे, यानी कि ये हलवा सा ही होता है, इसमें चीनी भी डलती है और ये शक्कर वाले हैं, इसलिए इनका कलर है ब्राउन। वो ये पहले पहले बहुत बनते होते थे गाँव में, तो अब ये ज़ाहरी बात है लोगों ने भैंसेशन से कम कर दिया तो ये वाला सीन नहीं रहा। बहरहाल भिजवाने वालों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहें। गाइस, अली अरसलान इज़ रिपोर्टिंग फ्रॉम द किचन। मैंने कुछ चीज़ें काट के रख ली हैं पहले क्योंकि फिर आपको पता है मूवी नहीं बनती साथ, मतलब है वीडियो नहीं बनती। तो सीन ये है कि आज फुल प्रोग्राम है मैक्रोनीज का, मेरी कुकिंग देख के स्पेशल फरमाइश आई, आपको बताया कि गेस्ट आए हुए हैं तो उन्होंने कहा कि मैक्रोनीज खानी है, तो वैसे मैंने पहले कभी बनाई नहीं है, लेकिन आपको पता है आजकल काम करना कौन सा मुश्किल है, यूट्यूब जिंदाबाद, आप यूट्यूब से कोई भी रेसिपी निकाल के किसी भी टाइम बना सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट सा तरीका कार निकाला है, अब उस तरीके से बनाता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है,
मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ये आइटम मैंने काट के रखे हैं, आलू मैंने फिंगर चिप्स की तरह काटे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इस तरह इस तरीके का से ठीक रहते हैं। साथ मटर थोड़े ले आया था, मटर महंगे हैं तो इसलिए थोड़े बहुत मटर डाले हैं। और ये साथ चिकन जो है बोनलेस ये स्पेशल तैयार करवाया था, तो ये अलग पड़ा हुआ था मेहमानों के लिए। आपको पता है उनकी शक्ल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होती है और बरकत रहमत होती है। ये तीन मेन आइटम है, इन्हीं से बाकी शुरू करेंगे। और इसके अलावा मैक्रोनीज वो तो समझ लें कि हेड है ना, हेड वो ज़रूरी है। बहुत फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो चुका है और अभी कुकिंग ऑयल मैंने डाला है इस पे पैन में, कढ़ाई में मेरा मतलब है। और साथ साथ मैं ना ये तड़का लगा रहा हूँ साग को भी। साग खाने अपने कहते हैं साग को तड़का लगा दो। साग जो है मेरी प्यारी खाला जान ने भेजा है, तो वो जो है बॉयल हुआ हुआ है। तो अभी शॉर्ट काम ये होगा कि साथ ही तड़का बस लगाना है। तो तड़के के लिए मसाला टमाटर वगैरह सारा कुछ, प्याज थोड़ा सा और ये सब्ज़ मिर्ची वगैरह डाल के ना, तो तड़कों का आपको पता ही है लहसुन वगैरह डलेगा थोड़ा सा, तो साग माचो हो जाएगा। मेन चीज़ जो है ना असल आइटम ये वाला है। गाइस अभी थोड़ा सा प्याज भी काटा है मसाले के लिए और मेरे आँखों से आंसू निकल रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। लाज सलाम है उन औरतों को जो किचन में काम करती हैं और डेली प्याज काटती हैं। ये देखें आप, रो रहा हूँ मैं अभी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस फ्राइज मैंने डाल दिए हैं सबसे पहले और उसके बाद मिलते हैं आपसे, फ्राइज ओके हो जाएं। ये तो बड़ा इजी सा काम है, ये तो मच्छर भी बना लेते हैं घर में। फ्राइज फ्राई करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब तक फ्राइज मेरा मतलब है फ्राइज नहीं आलू फ्राई होते हैं, तब तक ये साग मैं ओके कर लूँ। अभी ये साग की बनाई जा रही है, बस थोड़ा सा इसको भून के ओके हो जाएगा फिर इंशाल्लाह। ये अभी पानी डाला है, मैक्रोनीज बॉयल करने हैं। इसमें एक चम्मच नमक की, थोड़ा सा पानी और दो चम्मचें डाली हैं ऑयल की। मैक्रोनीज जो हैं वो जुड़ते नहीं हैं, तो बाकी काम जारी है। आपको पता है ये जब फ्री होगा एक चूल्हा तो फिर इसको बॉयल का काम शुरू करूँगा साथ ही। गाइस साग रेडी हो गया। आपको पता है साग का मौसम है तो बस सागो साग हुआ रहता है हर किसी के घर में। अब ये फ्री हो गया एक साइड चूल्हे की और ये इस पे ना पानी रखा है बॉयल होगा, तो फिर उसके बाद इसमें मैक्रोनीज फेंकूँगा और फिर ये आगे आपको पता ही चमत्कार हो जाएगा। अभी तक मेरी आंख में ना प्याज की जलन हो रही है इतना शदीद। यार कोई टोटका शोटका है तो बताओ प्याज काटने के लिए ताकि आंखों में ना लगे, किसी के पास कोई है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कोई सीन बताओगे ये जब प्याज काटते हो, क्योंकि अक्सर मेरा कुकिंग का भी काम होता है, क्या करूँ करनी पड़ती है, पब्लिक डिमांड होती है, पब्लिक नहीं फैमिली डिमांड होती है। फिर हम ठीक है, ठीक कहा है। पानी बॉयल हो चुका है और अभी मैंने इसमें मैक्रोनीज ऐड की हैं और जब तक ये बॉयल होते हैं साथ साथ चिप्स भी मैं बना रहा हूँ। और चिप्स का साइज़ थोड़ा, आलू बड़े साइज़ के थे तो फ्राई होने के बाद जो है मैं इनको छोटे साइज़ में कर रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े तो नहीं मैक्रोनीज में खाने होते। गाइस मैक्रोनीज और फ्राइज जो हैं ये रेडी हो चुके हैं और अभी नेक्स्ट स्टेप देखने के लिए मेरे साथ रहिए, जाना कहीं नहीं है आपने। अभी मटर जो हैं वो मैंने फ्राई करने हैं, कुछ लोग बॉयल करके भी डालते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, हमें तो इस तरह पसंद है तो हमने करने हैं इनको फ्राई। ये सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना कि मेरी सुर कैसी है, आवाज कैसी है। अभी मटर जो है वो फ्राई हो चुके हैं और अभी करना है प्याज ब्राउन। और अभी प्याज डाला है मैंने, क्या बताऊँ आपको, ये मेरी आंखों में इतना लगा था अभी मैंने इसको इसमें डाला तो मुझे वही सीन याद आ गया रोने वाला। गाइस इससे पहले कि आप सोचें कि कैसे मेहमान है जो सिर्फ मैक्रोनीज खाएंगे, तो बात यह है कि गोश्त भी बना हुआ है, वो अलग बना हुआ है, पर ये आइटम जो है ये अभी तैयार हो रहा है, वो पहले का रेडी था तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। ऐसा ना आप सोचें कि कितने अच्छे मेहमान है, सिर्फ मैक्रोनीज भी राजी हो जाएंगे। Are you comedy me? अनियन यानी कि प्याज ब्राउन करने का सिलसिला जारी है और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन भी ऐड किया है देसी, ये हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है क्योंकि चिकन भी है तो ये लवाजमात डालनी चाहिए आपकी सेहत पे ना। ऐसे शशके शशके में और शीशक बाशक में खाए जाते हैं वैसे नहीं खाने होते, तो ये आइटम ज़रूर ऐड किया करें, टेस्ट मेकर कहते हैं मुझे लोग। उसके बाद मैंने साथ ही टमाटर भी ऐड किए हैं ताकि ये भी फ्राई हो जाए अच्छी तरह और अभी फ्राई और बुनाई का सिलसिला जारी है। अभी मैंने एक चम्मच नमक, एक चम्मच रेड चिली और सूखा धनिया थोड़ा सा डाला है
और हल्की सी हल्दी, और अभी इसमें ऐड होगी सॉस। अभी अभी मैंने इसमें सॉस भी ऐड किया, मुझे ब्रेक लेनी पड़ती है क्योंकि फिर फ़ोन नहीं यूज़ हो सकता। एक चम्मच जो है वो मैंने डाली है चिली सॉस, और दो चम्मच जो है मैंने सोया सॉस के डाले हैं। ओके, व्लॉग बनाते बनाते जल तो नहीं गया। अभी मैंने थोड़ा सा इसमें डाला सिरका यानी कि विनीगर, और साथ में थोड़ी सी टमाटो सॉस मैंने ऐड की है इसमें। इससे पहले कि सब कुछ जल जाता है तो मैंने चिकन ऐड कर दिया है, और अभी चिकन जो है इसको सही तरह भूनना है यानी कि फ्राई करना है, यानी कि सब कुछ सही तरह मिक्स करना है। तो बस अब ज़रा एंड की तरफ जा रहा है काम, अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो सब कुछ ठीक जा रहा है, आगे का पता नहीं है। गाय साथ साथ मैं आपको गुड मैसेज दे देता हूँ, और एक लाइफ हैक और ट्रिक भी बताता हूँ आपको। अगर आपने गोश्त की पहचान करनी हो कि गोश्त हलाल है या हराम है, तो वो तब पता लगता है जब आप गोश्त की कुकिंग करते हैं, काटते हैं उसको, जो गोश्त फैल जाए समझ लें कि वो हराम है, और जो श्रिंक हो जाए यानी कि बोटी छोटी होना शुरू हो जाए और छोटी हो जाए तो वो हलाल है। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी पहचान यही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी और फजल करम से बड़ा प्यारा कलर आ चुका है चिकन में, और सही फ्राई हो रहा है। अभी मज़ीद इसको फ्राई करना है अभी अच्छी तरह मसाले में। कुकिंग का सिलसिला जारी है। किसी ज़माने में मैंने केक भी बनाए थे दो तीन, और वो मैं आपको बताता हूँ अभी वो मैंने कैसे बनाए और क्यों बनाए थे। मेरा प्लान कैंसिल हो गया, मैं आपको नहीं बताता मैंने क्यों बनाए थे और कैसे बनाए थे, किसी और से पूछ ले जाके। अभी जो है चिकन में मटर भी ऐड कर दिए, थोड़ा सा पानी डाला है, और इसको 5 मिनट लगाना है दम, ताकि चिकन और मटर दोनों सॉफ्ट हो जाए। वैसे चिकन तो गल चुका है, लेकिन इसको थोड़ा टेंडरस और सॉफ्ट बनाने के लिए ना इसको 5 मिनट लगाना है दम इस बिल्कुल हल्की सी आँच पे। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाऊं क्या। गाइस मैंने सोचा एक सुर फिर लगा लूं ताकि आप मुझे बताएं कि मेरी सुर कैसी है, और बात यह है कि वो जो सुर लगा रहा था इश्क से मुझे याद आया कि आज संडे है, आज मेरा फेवरेट ड्रामा लगेगा इश्क मुर्शिद। आए उस ड्रामे का ना लेवल ही एक अलग है, बड़े अरसे बाद कोई ड्रामा मैंने देखा है, और मतलब देखना शुरू किया हफ्ता जो है ना, वेट रहता है मुझे उस ड्रामे का। चिकन और मटर सॉफ्ट होने के बाद अभी अभी मैंने इसमें फ्राइज ऐड कर दिए हैं यानी कि आलू के चिप्स, और चिप्स के साथ ही मैंने काली मिर्चें भी डाली हैं। काली मिर्चों का आपको पता है अपना एक टेस्ट होता है, और वैसे भी खांसी वगैरह के लिए ज़रा अच्छी होती हैं। काली मिर्चें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैक्रोनीज भी मैंने ऐड कर दिए हैं। मैक्रोनीज मैं लेके आया था लोकल मार्केट से, और ये खुले हुए थे, वो ख़ास चस नहीं आई मुझे। वैसे जो है ना वो जो ब्रांडेड होती हैं ना, वो मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इस दफ़ा ग्रॉसरी में वो मिस हो गए थे, पहले ही आपको बताया था, तो कुछ ख़ास क्वालिटी नहीं रही इनकी। बहरहाल चले, निज़ाम हो गया, मेन चीज़ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने इस नेमत से भी नवाजा, तो कोई बात नहीं, जो चीज़ खाएं अल्लाह का शुक्र अदा करें। माशाल्लाह आज की डिश रेडी हो चुकी है, और मैंने तो दिन को लंच इतना हैवी किया था, रात को इसी से डिनर करके सो जाऊंगा। फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, तो लिहाजा इसको ऊपर से कवर करके मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। भाई अभी अभी किचन से बाहर निकले, और किचन में बड़ा कूजी कूजी और वार्म इन्वायरमेंट था, और अभी मुझे लग रही है ठंड। वैसे तो ये शॉल मैं अपने साथ ही रखता हूँ आजकल। हल्की हल्की सी धुंध छा रही है, और सर्दी शदीद होती जा रही है, और कुछ ही देर में हो जाएगी मगरिब की अजाने। बहुत हैवी काम किए हैं मैंने, थक चुका हूँ, अपने रूम में आके ना अभी ज़रा रेस्ट कर रहा हूँ। मेहमान कोई नहीं, कोई बहुत हैवी मेहमान नहीं, अपने घर के ही मेहमान हैं कोई नहीं। तो बहरहाल ये है कि फिर डिनर में उनसे मुलाकात होगी। अभी मैं थोड़ी देर ना अपने रूम में रेस्ट करने आया हूँ। आपको पता है कुकिंग करना ना बहुत ही मुश्किल काम है। ओए होए होए होए, बहुत दिन हो गए मैंने ये नहीं बोला खूबसूरत तो मैं बहुत लग रहा हूँ। वैसे माशाल्लाह आज मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, आई नो दैट। यार बात सुनो, अगर कभी मैं खुद को नहीं भी खूबसूरत कहता तो आप कमेंट्स में कह दिया करें माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं। कितने सेल्फिश लोग हो यार तुम लोग, अपने बारे में सोचते रहते हो। कभी आपके कुछ नरम अल्फाज, कोई मोहब्बत के अल्फाज किसी के लिए थेरापी का काम करते हैं, किसी के लिए वो मैं कहता हूँ कि समझ लें दवाई का काम करते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग तो हैं ही सेल्फिश। गुड मैसेज, आज मैंने आपको गोश्त की पहचान बता दी है, तो लिहाजा गुड मैसेज की ज़रूरत नहीं है। और साजे भी बता दिया है कि मीठे अल्फाज और आपकी थोड़ी बहुत मोहब्बत और थोड़ी बहुत केयर किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। बल अली असलान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट, डे एंड होने वाला है। ये थी कुछ आज की रूटीन, कुछ छोटे मोटे ऐसे काम जो वीडियोज़ में नहीं थे, कुछ इसके अलावा ऐसे काम जो आपने नहीं देखे।
तो बहरहाल अली अरसलान इज ऑफिशियली नाउ साइनिंग आउट। मिलती है न्यू वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।